मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की फोटो को हटाने और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो को सदन में लगाने का मामला गूंजता रहा। हालांकि इस विवाद से मुख्यमंत्री मोहन यादव बचते हुए नजर आए। भाजपा विधायकों ने जहां फोटो लगाने का समर्थन किया तो वहीं कांग्रेस के विधायकों ने इस मामले में जमकर आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन किस कारण से हार हो गई ये जरूर सोचने का विषय है, क्योंकि हम सब लोग आशान्वित थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुत अच्छे से हम आएंगे। लेकिन जो भी जनता का निर्णय रहा, जो भी कारण रहे, वो स्वीकार है, लेकिन उससे इस बात का कोई संपर्क नहीं है जो निर्णय आज यहाँ पर हुआ कि तस्वीर हटा दी गई। ये एक अलग विषय है, वो अलग विषय है, पर कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये विषय इस तरह के बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक बना हुआ है कि नेहरू जी की मूर्ति हटा के यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगा दी, काफी विरोध है, क्या कहें? बाबा साहब ने संविधान की रचना करी, स्वागत योग्य कार्य है, लेकिन नेहरू जी जो आजादी की लड़ाई लड़ी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। ये बदले की भावना से जो चल रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब सबके पूजनीय, हमारे पूजनीय, हम तो पूजा करते हैं, तो ये कैसा नैरेटिव तैयार करने का प्रयास करते हैं कि आपस में लोगों को लड़ाने के लिए, और लेकिन नेहरू जी का सम्मान करना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि मूर्ति हटाने का, ये 3,000 रुपये कब करेंगे लाडली बहनाओं के, ये 450 का सिलेंडर कब देंगे, ये इन मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। और गेहूं के हमने 3,000 रुपये का समर्थन मूल्य मांगा, 2700 की घोषणा करी है, ये कब देंगे? इन मुद्दों से भटकाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, और आपस में मेन मुद्दों की चर्चा नहीं हो, उसके लिए चर्चा हो रही है। नहीं लगता कि आज सिर्फ तस्वीर किसकी हटी, किसकी लगाई, इसको लेकर बात हुई, किसी भी मुद्दों पी का शुरू से ही ये एजेंडा रहा है कि लोगों को भटकाते रहें, लड़ाते रहें, आपस में चर्चा न होने दें। जो मुद्दों इन्होंने घोषणा करी है, अब उनकी चर्चा करने वाले हैं तो ये भगेंगे, लोग ऐसी नई नई चीजें लेके आएंगे, लेकिन सदन में आम जन की लड़ाई को पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और रखेगी, और हम जो इन्होंने घोषणा करी वो मनवा के रहेंगे। लेकिन बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस विधायकों के पास मुद्दे नहीं है, अभी तक वो डिप्रेशन से, हार के डिप्रेशन से उठ नहीं पाए। नहीं, अभी शपथ हुई है आज, हमारे जो दिवंगत विधायक हैं उनका, उनको श्रद्धांजलि देकर मौन हुआ है। अब देखिए आगे आने वाले समय में ताकि जो है भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाइए, क्या लगता है? ये भाजपा के संकीर्ण सोच को दर्शाता है, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया उन्होंने। अंबेडकर साहब का स्टेचू लगाना ही था तो नेहरू जी का भी स्टेचू साथ में रखना चाहिए था, तीन स्टेचू अगर लगे रहते तो उसमें क्या बिगड़ जाता। लेकिन ये नेहरू जी के प्रति कितना संकीर्ण सोच भाजपा रखती है उसको ये दर्शाता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी ये उनका सोच है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमारी पार्टी के साथ में जो हमारी जो राय जो बनती है उस लाइन पे हम लोग रहेंगे, लेकिन नेहरू जी का इस देश को आजाद कराने में, इस देश को स्थापित करने में, नवनिर्माण और विकास करने में बहुत अहम भूमिका नेहरू जी की जो रही है, बड़ा योगदान और सहयोग रहा है, तो ये भाजपा के संकीर्ण सोच को दर्शाता है। बालाजी कहीं ना कहीं एक कर लो पूजा, क्या तस्वीर को लेकर आगे नेहरू जी की तस्वीर हटाई है? देखिए, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनने भारत को संविधान दिया है, विधायिका जिनके नेतृत्व में संचालित होती है, और ये सदन विधायिका का केंद्र है, और इसलिए पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चित्र है, और जो अंबेडकर जी के चित्र को लेकर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी कांग्रेस की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। धिक्कार है कांग्रेस तुमको कि तुम बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रहे हो, तुम बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ बोल रहे हो, धिक्कार है कांग्रेस को। हम डंके की चोट पर कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगाया है, सजाया है, हम बाबा साहब अंबेडकर और पूज्य महात्मा गांधी के सिद्धांतों से सहमत है और उनके बताए हुए पद और पद पर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नेहरू जी से तो पुराना विवाद है, इसलिए हटा दी जाती है। नहीं, क्या क्या आपका क्या कहना है? तस्वीर लगाना चाहती है। मैं कांग्रेस के नेताओं को एक और आग्रह करना चाहता हूं कि पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तुलना
नाथुराम गौड़से से मत करो, फिर तुम्हें बुद्धि पर तरस आता है तुम्हारी पर, कि तुम कहां बाबा साहब अंबेडकर, कहां गौड़से, क्या तुलना करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो देश को? ये देश की आत्मा है महात्मा गांधी, संविधान की आत्मा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जानना चाहता हूं एक डिप्टी सीएम जो पूर्व वित्त मंत्री भी है, दिल्ली के इतने राउंड लगाए हैं, मध्य प्रदेश की क्षतिपूर्ति की जीएसटी की जो राशि 5,000 करोड़ केंद्र सरकार से लेना है, क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा केंद्र सरकार से जो लेना है, इनमें दम है तो प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश का हिस्सा लेकर बताएं। 5,000 करोड़ की राशि क्षतिपूर्ति की जीएसटी की रुकी हुई है। कई बार मैंने सदन में इस बात को जो उठाई है, इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी जो राशि हमारे हक की जो मध्य प्रदेश की जो बनती है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके पूरे दोनों उप मुख्यमंत्रियों में अगर दम है तो ये राशि लाकर दिखाएं। कोई इनका विकास और नवनिर्माण का कोई सोच नहीं है, लोगों को गुमराह करते रहते हैं और भ्रमित करते रहते हैं और प्रदेश को चलाते रहते हैं।